वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास, दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन स्टडी की थी। सो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने चार रिएक्शन स्टडी की थी, ठीक है। पहली रिएक्शन जो थी वो अल्किल हैलाइड के साथ, फर्स्ट रिएक्शन जो थी, एक मिनट, फर्स्ट रिएक्शन जो थी वो अल्किल हैलाइड के साथ हमने की थी, NaOH के, मतलब अल्किल हैलाइड प्लस NaOH की रिएक्शन की थी। एंड देन उसमें हमें अल्कोहल मिला था। जहाँ वैसे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे हम एक न्यूक्लियोफाइल को निकालते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रखते हैं। तो हमने एक्स को निकाला था फर्स्ट रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन जो है, उस फर्स्ट रिएक्शन में हमने एक्स को निकाला था और एक्स की जगह पे OH को प्लेस किया था। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ROH, अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड, ये स्टडी किया था, ठीक है। हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे की रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। सो देखो, ये हो गया आपकी फर्स्ट रिएक्शन। नाउ सेकेंड रिएक्शन, जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, सेकेंड जो रिएक्शन है, उस सेकेंड रिएक्शन में अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ की थी? NaOR के साथ की थी, ठीक है। उसमें हमने RX को रिएक्ट किया था NaOR के साथ, और अगेन यहाँ पे भी क्या किया था, हमने X को Na के साथ अटैच कर दिया था, इट फॉर्म्स NaX। और ये जो जगह खाली हुई थी इस X न्यूक्लियोफाइल की, दूसरे पे हमने किसको रखा? OR को। तो यहाँ पे फॉर्म होगा ROR, दैट इज़ इट फॉर्म्स ईथर। ये कौन सा कंपाउंड है? ईथर है, ठीक है, इट्स अ जनरल कंपाउंड ईथर। अब उसमें RR पुटअप करोगे तो उसके अलग अलग नाम भी आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन जो थी, उस थर्ड रिएक्शन में हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किस साथ की थी? सिल्वर कार्बोक्सिलेट, मतलब सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने आपको ये बताया था कि कैसे बनाते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एच है उसको निकाल के उसके पे हम AG को रख देते, इट कॉल एज अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे, तो रिएक्शन कैसे करेंगे हम, RX प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज RC डबल बॉन्ड OOAG, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन अगेन यहाँ पे भी सेम है, जनरली ये एक्स जो है ये नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए, और ये हमेशा जाता है पॉजिटिव के साथ, तो हम ये यहाँ पे जाएगा AG प्लस के साथ, तो ऑब्वियसली ये जगह खाली हो जाएगी, ये आ जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो व्हाट इट फॉर्म्स, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे और ये जो ग्रुप बचा है R, ये जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा AG की जगह पे, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इस एक्स के जगह पे ये पूरा बचा हुआ ग्रुप हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हमने कैसा भी लिखा तो भी सेम ही आंसर, मतलब सेम ही आने वाला है। तो आप हम क्या करेंगे, एक्स को निकालेंगे, एन प्लेस ऑफ एक्स हम ये पूरा का पूरा बचा हुआ ग्रुप इसमें अटैच कर देंगे, क्योंकि AG जाएगा एक्स के साथ तो जगह खाली हो जाएगी, तो हम ओ के बाजू में उसको अटैच कर सकते हैं, या फिर हम इस पूरे ग्रुप को उठा के यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फॉर्म्स आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे बोलो कि ऊपर है, यहाँ पे नीचे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। एंड देन R1 एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हमें ये जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम क्या है? ईस्टर, ठीक है, इसका नाम क्या है? ईस्टर। तो ये होगी हमारी थर्ड रिएक्शन। नाउ फोर्थ रिएक्शन में हमने क्या देखा था, जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है इसमें उस फोर्थ रिएक्शन में हमने अल्किल हैलाइड को रिएक्ट किया था अमोनिया के साथ। बट अमोनिया को हमने कैसे लिया था, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 है, ठीक है। तो हमने उसको ऐसे ना लेते हुए कैसे लिया है, अमोनिया NH3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, HNH2 के फॉर्म में उसको हमने लिखा है, ठीक है। किस फॉर्म में? HNH2, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसका मीनिंग तो NH3 हो गया, बट स्टिल हम उसको लिखेंगे H बॉन्ड NH2, मतलब ये अमोनिया, इसको अगर इसके साथ ज्वाइन कर तो ये NH3 होने वाला है। अगेन यहाँ पे यहाँ का X जो नेगेटिव है, यहाँ का H जो पॉजिटिव है,
दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, एच एक्स आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, और जो आर बचा हुआ है वो आर मतलब ये आर और ये एन एच टू ज्वाइन हो जाएगा, इट फॉर्म्स अ आर एन एच टू, इट इज़ कॉल्ड एज अ अमाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं आर एन एच टू को। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है अल्किल हाइड की केसिन के साथ है। तो अल्किल हाइड को केसिन के साथ रिएक्ट कर दोगे आप तो वी गेट अ आर सी एन, दैट इज़ अ अल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइल। ठीक है, हम दो नाम से बोल सकते हैं उसको, एक तो अल्किल साइनाइड बोलेंगे या फिर अल्किल साइनाइड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, नाइट्राइल बोलेंगे। और रिएक्शन के साथ करनी है हमें अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करनी है। ठीक है, साथ करनी है आपको अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करें। तो देखो रिएक्शन कैसे आएगी, आर एक्स मतलब पहले हम जनरल रिएक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन में आर एक्स दैट इज़ योर अल्किल हैलाइड ओके रिएक्ट विद द अल्कोहलिक केसियन। अब अल्कोहलिक मीडियम है तो आपको अल्कोहल नीचे लिखना इंपॉर्टेंट है, फिर सामने लिख सकते हो। अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक साइनाइड केसियन, सॉरी अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड मतलब केसियन के साथ जब रिएक्ट होगा तो ऑब्वियसली के जाएगा एक्स के साथ, क्योंकि हैलोजन नेगेटिव है और के पॉजिटिव है, तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो इट फॉर्म्स अ वन प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्स अ के एक्स, क्या फॉर्म करेगा वो, के एक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा के एक्स, और ये आर जो है उसके साथ जो एक्स था वो निकल गया, तो उसके जगह कौन अटैच होगा, साइनाइड। इट फॉर्म्स अ आर बॉन्ड सी एन दैट, ठीक है, प्लस आपको मिलेगा के एक्स, और आर सी एन क्या है, इट्स अ अल्किल साइनाइड या फिर उसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइल। नाउ इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल कैसा रहेगा, एग्जांपल में हम लेंगे CH3Cl इट इज़ योर अल्किल हैलाइड प्लस KCl इस अ पोटेशियम साइनाइड, अगेन यहाँ का K और यहाँ का Cl अटैच हो जाएगा, इट फॉर्म्स ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में एक प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये Cl जग की जगह खाली हो जाएगी तो उसके पे कौन अटैच होगा, Cl अटैच होगा, इट फॉर्म्स ऑफ CH3Cn प्लस KCl, और CH3Cn को क्या बोलेंगे, मिथिल साइनाइड, इसका नाम क्या रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिथिल, क्योंकि ये मिथिल ग्रुप है, इट कॉल्ड एज अ मिथिल साइनाइड ओके, या फिर नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये हो गया हमारी रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद द अल्कोहलिक एजिसियन, देखो इसके पहले अल्कोहलिक केसियन था तो हमें अल्किल साइनाइड मिला था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड है AgCN, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो आइसो साइनाइड, मतलब पहले इसमें अटैचमेंट किसके थ्रू था, कार्बन के थ्रू था, यहाँ पे किसके थ्रू है, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट है। ठीक है, मतलब पहले इसमें जो R था वो कार्बन के साथ अटैच है और दूसरे इसमें वो RN के साथ अटैच है, मतलब ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, पोटेशियम साइनाइड है तो हमें कार्बन के थ्रू अटैचमेंट करना है, और AgCN है तो हमें एन के थ्रू अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन देखो, जनरल रिएक्शन अल्किल हैलाइड दैट इज आर एक्स प्लस AgCN दैट इज़ द सिल्वर साइनाइड, तो अगेन यहाँ पे सेम ही होगा, Ag के साथ एक्स जाएगा तो इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट AgX, एक प्रोडक्ट AgX मिलेगा और ये एक्स की जगह खाली हो जाएगी तो वहाँ पे साइनाइड आएगा, इट फॉर्म्स अ आर सी एन, बट अटैचमेंट किसके थ्रू है, कार्बन के थ्रू अटैचमेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्किल, सॉरी यहाँ पे अटैचमेंट आर के थ्रू नहीं करना है, यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो हमें करना है नाइट्रोजन के थ्रू। तो एक बार देख लेते फिर से रिएक्शन, आपका अल्किल हैलाइड प्लस AgCN, AgCN में से ये जाएगा AgX जो आपको मिलेगा, यहाँ पे AgX मिलेगा, और ये जो अटैचमेंट है वो नाइट्रोजन के थ्रू होगा, मतलब R बॉन्ड N C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड से नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अटैचमेंट नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्किल नाइट्राइल, ठीक है, इसका नाम क्या है, अल्किल
नाइट्राइल है, तो आपको ये याद रखना है, इट्स अल्किल नाइट्राइल। मतलब केसियन यूज़ किया तो अल्किल साइनाइड, एजीसीएन यूज़ किया तो आइसो साइनाइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अब उसको आप सेम अल्किल हैलाइड लेके कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन में अल्किल हैलाइड को, या फिर आपको एग्जांपल बता ही देती हूँ, ये प्रॉब्लम है CH3Cl, ये आपका अल्किल हैलाइड प्लस AgCN, अगेन यहाँ पे AgCL निकल जाएगा, ठीक है। AgCL तो आपको मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, एज वेल एज ये CH अटैच होगा एन के थ्रू, इसके साथ इट फॉर्म्स अ CH2N CCC, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या रहेगा, क्योंकि इस ग्रुप का नाम है मिथिल और ये ग्रुप कौन सा है, आइसोसाइनाइड, इसको क्या बोलेंगे, मिथिल आइसोसाइनाइड। तो ये होगी उसकी रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हमें नेक्स्ट इसमें करना है पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। तो पोटेशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, AKNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, नॉट अ नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट होगा तो NO3 आता है, पोटेशियम नाइट्राइट है तो NO2 आएगा, KNO2। तो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय उसको कैसे लिखेंगे, KO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, जैसे आपकी बुक में लिख के दिया है। अब ऑब्वियसली इसने के ऊपर, के ऊपर पॉजिटिव होता है हमेशा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। के पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसी होगी देखो, अब थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो देखो रिएक्शन, RX और प्लस KON डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो अगेन नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव साथ, तो K जाएगा K एक्स के साथ, तो इट फॉर्म्स अ KX, ठीक है। और बचा ग्रुप तो अटैच होने वाला है, जो एक्स जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप अटैच होगा, इट फॉर्म्स R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O मिलेगा। तो ये इसका नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज अ अल्किल नाइट्राइड, क्योंकि अल्किल ग्रुप है और NO2 ग्रुप क्या है, नाइट्राइड ग्रुप, इसका नाम क्या है, अल्किल नाइट्राइड है, ठीक है। तो हमें ऐसे अल्किल नाइट्राइड ग्रुप मिलेगा, इट इज़ कॉल्ड एज अ अल्किल नाइट्राइड। तो यहाँ पे अटैचमेंट किसके थ्रू है, यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो O के साथ है, ठीक है, RONO। अटैचमेंट किसके थ्रू है, ऑक्सीजन के थ्रू उसमें अटैचमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अटैचमेंट किसके थ्रू दिया है, ऑक्सीजन के थ्रू इसमें अटैचमेंट है, नॉट अ नाइट्रोजन, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, अल्किल नाइट्राइड। अटैचमेंट किसके थ्रू किया है हमने, ऑक्सीजन के थ्रू, इसका नाम क्या है, अल्किल नाइट्राइड है। जब उसके बाद इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो क्या आएगा, आर के जगह पे हम क्या लेंगे, CH3Cl मिथिल क्लोराइड, इट रिएक्ट्स विद द पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड मतलब अगेन KON डबल बॉन्ड O, के प्लस ओ माइनस आपको पता है, के जाएगा सील के साथ और ये CL के जगह पे ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा बचा हुआ, तो इट फॉर्म्स CH3ONO, तो मिथिल नाइट्राइट इसका नाम है, इसका नाम क्या है, मिथिल नाइट्राइट है। तो ये हो गया आपकी एक रिएक्शन। देन लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन में अल्किल हैलाइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या है, AgO N डबल बॉन्ड O। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है वैसे सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट में K है और सिल्वर नाइट्रेट में Ag है, बस दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। लेकिन रिएक्शन में फ्लड अलग अलग मिलेंगे, पहले के रिएक्शन में RO के थ्रू अटैच हुआ था, इस रिएक्शन में RN के थ्रू अटैच होगा। यहाँ पे Ag जो है वो H के साथ निकल जाएगा, ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप NO डबल बॉन्ड O ऐसा बनेगा और ये R जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरीके से उसका अटैचमेंट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, आर एन डबल बॉन्ड और बॉन्ड ओ, इट इज़ कॉल्ड एज अ नाइट्रो अल्किन, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप है, इस एनओ टू ग्रुप, इट्स नाइट्रो ग्रुप, और ये अल्किन, तो इट्स कॉल्ड एज अ नाइट्रो अल्किन। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या आएगा, सी एच थ्री सी एल प्लस ए जी ओ एन ओ, तो अगेन ये ए जी और ये सी एल निकल जाएगा, इट फॉर्म्स अ ए जी सी एल, और ये ग्रुप इसमें सी एच के साथ अटैच होगा लेकिन एन के थ्रू, इट फॉर्म्स अ सी एच थ्री एन सिंगल बॉन्डो और यहाँ पे डबल बॉन्डो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इज लाइकवाइज, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज अ मिथिल, ये मिथिल ग्रुप है इसलिए इसके नाम के अकॉर्डिंग आएगा मिथिल नाइट्राइड, इज कॉल्ड एज अ मिथिल नाइट्राइड, इज कॉल्ड एज अ मिथिल नाइट्राइड, ओके। तो इससे किसी रिएक्शन आपको होगी, तो ये आपको याद रखना है, अगर हमने पोटेशियम नाइट्राइड यूज़ किया तो अटैचमेंट होगा ऑक्सीजन के थ्रू, सिल्वर नाइट्राइड यूज़ किया तो अटैचमेंट होगा नाइट्रोजन के थ्रू। देन उसके बाद डू यू नो का पॉइंट दिया है, जो अभी मैंने जो दो रिएक्शन भी बताए आपको उसके आधार पर है वो, तो डू यू नो में देखो क्या दिया है आपको, साइनाइड आयन इज कैपेबल ऑफ, साइनाइड आयन इज कैपेबल ऑफ अटैकिंग थ्रू मोर देन वन साइड, तो यहाँ पे देखिए जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन मतलब कौन सा आयन, साइनाइड आयन मतलब सी एन आयन, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर लोन पेयर होती है, और कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड का आयन है, और साइनाइड आयन ये कैपेबल होता है ऑफ अटैकिंग थ्रू मोर देन वन साइड, मतलब ये साइनाइड आयन दो साइड से अटैच कर सकता है, कार्बन के साइड भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच कर सकता है, इसलिए वहाँ पे देखिए मोर देन वन साइड उसमें प्रेजेंट है, एंड सच अ न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड एज अ एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा साइट होती है अटैक करने के लिए, मतलब जब हम उसको ऐड करते हैं रिएक्शन में तो उसके पास दो तीन जगह होती है जहाँ पे आने वाला रिएक्टर उस पर अटैक कर सकता है, तो मतलब उसके पास मोर देन वन साइट है अटैचमेंट के लिए, मतलब दो एक से ज़्यादा वो अलग अलग साइट पे अटैच करवा सकता है आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, तो इसका मतलब वो कैसा है, एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, इट इज़ अ एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल, वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा साइट देता है एटम को अटैक करने के लिए, ठीक है, मोर देन वन साइट होती है, अटैकिंग साइट ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और ये जो आपका केसियन है वो तो प्रीडोमिनेंटली क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, डबल ट्रिपल बॉन्ड और एन के ऊपर लोन पेयर, तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए ये कैसा होता है, कैसा है वो, इस प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इसकी वजह से वो कैसा है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, एंड प्रोवाइड्स अ साइनाइड आयन, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ साइनाइड आयन, वो हमें साइनाइड आयन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, सी एन आयन जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन ये जो दोनों है, ठीक है, कौन, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कैपेबल है, किस लिए, फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के लिए वो कैपेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें कंपेयर करना रहा कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड और कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, एंड अटैक थ्रू कार्बन आइटम ऑफ साइनाइड ग्रुप फॉर्मिंग अल्किल साइनाइड, अगर पोटेशियम साइनाइड में से, पोटेशियम साइनाइड जो हमने इस रिएक्शन में यूज़ किया है उसमें अटैक जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कार्बन के थ्रू ही होता है, ठीक है, और जो कार्बन के थ्रू अटैक करता है उसमें प्रोडक्ट जो मिला वो अल्किल साइनाइड होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब केसियन में अटैक किसके थ्रू होगा, कार्बन के थ्रू होगा, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्किल साइनाइड रहेगा, अगर हमने ए जी सी एन की बात की तो अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, अभी तक हम के सी एन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है,
किसके बारे में बात कर रहे थे, केसिन के बारे में बात कर रहे थे। तो जो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिला था, अल्किल साइनाइड मिला था एज अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि अटैचमेंट किसके थ्रू हुआ था, अटैचमेंट जो है वो कार्बन के थ्रू हुआ था, इसलिए वहाँ पे अल्किल साइनाइड मिला था। लेकिन इसके बाद में हम जो एडिशन यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे अटैचमेंट नाइट्रोजन के थ्रू होता है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द केसिन एंड एजीसीन, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो एजीसीन के केस में, एजीसीन जो है सिल्वर साइनाइड, इसके केस में अटैचमेंट किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन के थ्रू होगा, वो अपने दिमाग में फिक्स करना है। सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये कोवैलेंट कंपाउंड है, एजीसीन के ऐसा कंपाउंड है, इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड है एंड नाइट्रोजन जो है वो फ्री है, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए वो फ्री है। एक तो एजीसीन कोवैलेंट कंपाउंड है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए फ्री होता है, इसके वजह से वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करता है, ठीक है। एंड हेंस अटैक्स ऑकर थ्रू द नाइट्रोजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसो साइनाइड। जब अटैक नाइट्रोजन के थ्रू होता है तो उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, कार्बन के थ्रू होता है तो सिंपल साइनाइड बोलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के थ्रू हुआ तो क्या बोलते हैं, आइसो साइनाइड बोलते हैं। एंड अनादर एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल इज नाइट्राइल आयन, ठीक है। एम्बियंट मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा अटैकिंग साइड होता है, वो दो एक से ज़्यादा साइड से अटैक कर सकता है, तो ऐसा अनादर एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, नाइट्राइल। नाइट्राइड जो है वो भी कैसा है, एम्बियंट है। और नाइट्राइड का फॉर्मूला आपको दिया है यहाँ पे, देखिए कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, ये जो है ONO, ठीक है, ONO जो है इट्स अ नाइट्राइड, ओके। और इसमें अटैक ऑक्सीजन के थ्रू भी होता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी होता है। आपको रिएक्शन दिए ओ लोन पेयर, तीनों साइड में ऑक्सीजन के देन बॉन्ड एन एन के ऊपर एक लोन पेयर, अगेन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, उसके बाद उसके ऊपर दो लोन पेयर। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है उसको बोल मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या बोलते हैं, एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल, दैट इज़ अ नाइट्राइड आयन, जो ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैक होगा या फिर नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक होगा। तो इस लेक्चर में यही तक, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।